बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। पकड़ा गया घोड़ा गैंग का मास्टरमाइंड, मेरठ से बुलंदशहर पहुंचा जीतू फौजी, कोर्ट में होगी पेशी, रिटायर्ड आईजी की बेटी ने छत से कूदकर किया सुसाइड, गांजा बेचने वाले तीन तस्कर आए पुलिस की गिरफ्त में, गर्लफ्रेंड से बात करना पड़ा महंगा, युवक की गला रेतकर की हत्या। अब खबरें विस्तार से। मध्य जिला दिल्ली पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तीनों गैंग बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस के मुताबिक इनको घोड़ा गैंग के नाम से जाना जाता है। जीतू फौजी को आर्मी और एसटीएफ की टीम मेरठ ले पहुंची थी। अब मेरठ से एसटीएफ ने जीतू फौजी को बुलंदशहर पुलिस को सौंप दिया। जीतू फौजी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ रिटायर्ड आईजी सुधांशु की बेटी ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद से घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रेटर नोएडा की थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने क्षेत्र में अवैध रूप से गांजे की सप्लाई करने वाले तीन लोगों को दो अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है। ये लोग मुख्य रूप से कॉलेजों के पास घूमकर गांजे की सप्लाई करते थे। राजधानी से सटे गाजियाबाद में एक युवक की गर्लफ्रेंड ने जब उससे बात करना बंद करके उसके दोस्त से बात करने लगी तो युवक ने खौफनाक प्लान बनाया। युवक ने प्लान के मुताबिक अपने दोस्त की बेरहम तरीके से हत्या कर दी। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।